अमेरिका में मेगा शो के बाद मिस्र पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। मिस्र के प्रधानमंत्री ने गले लगाकर गर्मजोशी से किया स्वागत। काहिरा एयरपोर्ट पर दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। मिस्र के पीएम के साथ राउंड टेबल मीटिंग का कार्यक्रम। भारतीय समुदाय के लोगों से मिले पीएम मोदी। हाथ मिलाकर किया अभिवादन। मोदी मोदी के लगे नारे। रूस में वैगनर के विद्रोह के बाद तनाव के हालात। मॉस्को समेत कई जगहों पर इंटरनेट सेवा हो सकती है बंद। रशिया के गवर्नर की लोगों से अपील। कहा घर से बाहर नहीं निकले लोग। मणिपुर हिंसा पर हुई दिल्ली में ऑल पार्टी मीटिंग। शांति बहाली को लेकर सभी दलों से की गई चर्चा। मणिपुर विस्फोट के विस्फोटक मामले की जांच करेगी एनआईए। टीएमसी ने सर्वदलीय बैठक पर बयान जारी कर कहा अगले एक हफ्ते में एक ऑल पार्टी डेलीगेशन हिंसा प्रभावित इलाकों में भेजा जाए। मणिपुर में 300 गिरजाघर जलाए गए। 100 से अधिक लोग मारे गए। इसके पीछे केंद्र सरकार की लापरवाही। ओवैसी का मोदी सरकार पर आरोप। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का तंज। पिछले 50 दिनों से जल रहा है मणिपुर, लेकिन पीएम मोदी को फुर्सत नहीं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में झगड़े की नई बात आई सामने। राहुल गांधी ने केजरीवाल से अकेले में मिलने से किया इनकार। केजरीवाल ने राहुल से कहा आप एक कप चाय तो पिलाइए। राहुल बोले आप मिलने के लिए इतने बेताब क्यों हैं। शिमला में विपक्ष की बैठक से पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में जुबानी जंग तेज। अजय माकन का अटैक। बीजेपी से मिले हुए हैं केजरीवाल। अजय माकन बोले जेल जाने से बचने के लिए केजरीवाल मांग रहे हैं समर्थन। भ्रष्टाचार किया है तो सजा काटनी पड़ेगी। आम आदमी पार्टी पर कांग्रेस का पलटवार। कहा अध्यादेश पर संसद में होगी चर्चा। विपक्ष के बीच दरार पैदा करने के लिए केजरीवाल उतावले क्यों। कांग्रेस सांसद उदित राज का बयान 20 दलों में से किसी ने भी कोई शर्त नहीं रखी। सिर्फ केजरीवाल ही पार्टी की तरफ से शर्त रखी गई, ये ठीक नहीं। केजरीवाल सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। वो सिर्फ अपनी चलाना चाहते हैं, लेकिन ये संभव नहीं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद नासिर हुसैन का अटैक। पटना में हुई विपक्ष की बैठक पर बोले संजय राउत। उद्धव ठाकरे ने कहा अगर 2024 में नहीं बदली सत्ता तो यह आखिरी चुनाव होगा। विपक्ष की बैठक पर कांग्रेस नेता वी हनुमंत राव बोले सभी दल बीजेपी को हराने के लिए आगे आए। खड़गे की अगुवाई में अगली बैठक। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा बैठक में जितने विपक्षी दल थे सभी 2024 में एक साथ लड़ने के लिए संकल्प के लिए तैयार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का दावा सभी विपक्षी दल मिलकर लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। शिमला में बनेगी आगे की रणनीति। यूपी के सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एयर शो। हवा में करतब दिखाते नजर आए वायुसेना के फाइटर जेट। आसमान में मिराज। सुखोई जैगवार ने भरी उड़ान। रनवे पर लैंडिंग का किया अभ्यास। सेना के आला अधिकारी रहे मौजूद। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पानी के मुद्दे को लेकर केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। भोपाल में वांटेड करप्शन नाथ। लिखे पोस्टर पर भड़के कमलनाथ। कहा कोई चाहे कुछ भी कह ले, मेरे राजनीतिक करियर पर एक भी दाग नहीं। शिवराज सिंह चौहान का कमलनाथ पर तंज। कहा ये कहते हैं उनकी चक्की बड़ा बारीक पीसती है। उनकी चक्की ऐसी चली कि उनकी सरकार को ही पीस दिया। कल सीएम योगी के नोएडा दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी। नोएडा और ग्रेटर नोएडा को देंगे करोड़ों की सौगात। ओडिशा में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तालेचर में अपने प्राथमिक विद्यालय का किया दौरा। कक्षा 1 से 5वीं तक यहीं से की थी पढ़ाई। उत्तराखंड में निवेश करने वाले केवल उद्योगपति नहीं बल्कि विकास के सारथी हैं। सीएम पुष्कर धामी का बयान। केदारनाथ मंदिर गर्भगृह मामले की जांच के लिए बनाई हाई लेवल कमेटी। करीब 125 अरब के घोटाले का है आरोप। बिहार के किशनगंज में जिले में मेची नदी पर बने पुल का एक खंभा नदी में धंसा। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में पक्षियों की दुकान में छापेमारी। प्रतिबंधित प्रजाति के 19 कछुए और 40 तोते बरामद। झारखंड के दुमका में बड़ा हादसा। नदी में नहाने के दौरान एक ही परिवार के 3 लोग डूबे। मुंबई के बांद्रा में एक क्लब में हुई मारपीट। क्लब के स्टाफ और ग्राहकों में मारपीट। एक ग्राहक हुआ घायल। एफआईआर दर्ज। आईआईटी कानपुर को बड़ी सफलता। 5000 फीट की ऊंचाई पर क्लाउड सीडिंग से कराई कृत्रिम बारिश। मैनपुरी में शख्स ने छोटे भाई समेत परिवार के 6 लोगों को मार डाला, फिर किया सुसाइड। लखनऊ के राजाजीपुरम इलाके में लगी आग से एक दुकान जलकर खाक। आंध्र प्रदेश में प्रकाशन जिले में एक शॉपिंग मॉल में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने संभाला मोर्चा। मैनपुरी हत्याकांड पर पुलिस का बयान। वारदात में इस्तेमाल हथियार को किया गया बरामद। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मुंबई के गोरेगांव में स्कूल के स्विमिंग पूल में डूबने से एक 14 साल के बच्चे की मौत।
अयोध्या में बच्चे का अपहरण करने की कोशिश कर रहे तीन लोगों को पुलिस ने पकड़ा, जांच जारी। जामनगर में साधना कॉलोनी में दो मंजिला इमारत धराशाही, पूरे इलाके में मची अफरा तफरी। यूएस की यात्रा पूरी होने पर पीएम का ट्वीट, लिखा दोनों देशों की मित्रता बढ़ाने के लिए मिलकर करते रहेंगे काम। पीएम मोदी को वाशिंगटन एयरपोर्ट पर तोपों की सलामी देकर किया गया विदा, कई तोहफे भी किए गए भेंट। आर्टेमिस समझौते पर साइन करने वाला 27वां देश बना भारत, अमेरिका में भारतीय राजदूत तरणजीत सिंह संधू ने किए हस्ताक्षर। FICCI ने पीएम मोदी के यूएस यात्रा को सफलतम बताया, सेमीकंडक्टर ट्रांसफॉर्मर और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, रक्षा अधिग्रहण जैसे कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। हिमाचल प्रदेश में मानसून ने दी दस्तक, पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कई जगह बारिश। भारी बारिश के बाद गुजरात के नाडियाड रेलवे स्टेशन पर जलभराव, छात्रों की बस पानी में फंसी। मुंबई के कई हिस्सों में हुई बारिश, मौसम बदलने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। बारिश के बाद शिवाजी पार्क इलाके में जलभराव, मानसून की पहली बारिश ने ही बीएमसी के दावों की खोली पोल। ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने अमित शाह और मुंबई पुलिस को लिखी चिट्ठी, आदि पुरुष के निर्माता, निर्देशक और लेखक पर केस दर्ज करने की मांग। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।